नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। देवभूमि में हमेशा से ही खेलों को काफ़ी महत्व दिया गया है और यही वजह है कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य से कई ऐसे लोग बाहर निकले हैं जिन्होंने बाहर देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक ऐलान किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार 2021 और 2022 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित करेगी, साथ ही नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि इन खिलाड़ियों में उत्तराखंड के लक्ष्य सेन और चंदन सिंह भी शामिल हैं। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को और नैनीताल के चंदन सिंह एथलेटिक्स खिलाड़ी को प्रदान किया जाएगा। खेल पुरस्कार 24 मार्च को परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री देंगे। आपको बता दें कि लक्ष्य सेन उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, वहीं चंदन सिंह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रहते हैं। बता दें खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी धनराशि 2.9 करोड़ रहेगी। इससे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेल के क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि सरकार की तरफ से उठाया गया एक सराहनीय कदम है। तो फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।